विधानसभा से निर्दलीय विधायक और सजा प्राप्त पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को बीएसपी में शामिल हो गए। इसके बाद पार्टी ने नौतनवा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। आपको बता दें कि अमन मणि त्रिपाठी पर अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या का आरोप है, तो वहीं इनके पिता अमर मणि चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे हैं। बसपा से उम्मीदवार घोषित होने के बाद से मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला और सारा सिंह की मां इसका विरोध कर रही हैं। इसको लेकर आज दोनों लखनऊ में बीएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। हालांकि बाद में धरने पर बैठी मधुमिता की बहन और सारा सिंह की मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधानसभा 356 से मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर है। मुख्तार के वकील दरोगा सिंह ने मुख्तार अंसारी के लिए पर्चा खरीदा है। मुख्तार के बेटे अब्बास अपने पिता मुख्तार के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी की समर्थन सभा में उन्होंने अपने पिता मुख्तार अंसारी के लिए वोट और समर्थन भी मांगा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कवियत्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अमन को टिकट देने पर नाराजगी जाहिर की है। निधि ने कहा कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब वो मधुमिता हत्याकांड में न्याय दिलवा रही थी, लेकिन आज उसी आरोपी को अपनी पार्टी का टिकट दे रही हैं। ये कैसा न्याय है? साथ ही साथ उन्होंने मायावती से अपील की कि वो ऐसे अपराधियों को पार्टी से निकालें, अगर ऐसा नहीं होता तो वो पूरे प्रदेश में ब्राह्मण और क्षत्रिय बसपा का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 7 फरवरी को बसपा ने अमन मणि त्रिपाठी को महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। और आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय खड़े हुए बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के पुत्र अमन मणि त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। अमन मणि त्रिपाठी पर अपनी पत्नी सारा की हत्या का आरोप है, तो वो जेल में बंद है। 9 जुलाई 2015 को संदिग्ध हालत में सारा सिंह की मौत हो गई थी और तब वो अमन मणि त्रिपाठी के साथ कार पर सवार होकर लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। वहीं इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इसी मामले में जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अमन मणि ने जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि अमन मणि त्रिपाठी काफी विवादों से घिरे रहते हैं, उनके खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले चल रहे हैं। यहाँ इस कार्यक्रम में बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी, हमारे बड़े भाई राकेश भाई बैठे हुए यहाँ, सम्मानित एमएलसी साहब, सभी प्रधान पूर्व प्रधानगण, सभी नेतागण, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक मेरी माओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों और आगे आने वाले नस्लों के छोटे छोटे बच्चों, आप सब की खिदमत में मैं अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता हूं, जिनके लिए दौर अपने भाषण को शुरू करने से पहले मैं एक बात के शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। ये दौर ऐसा आ गया है कि आज लोग घरों में बैठ करके, कमरों में बैठ करके इस सत्ता को हटाने की बात करते हैं, तो मैं खास तौर पर अपने भाइयों से, अपनी माओ बहनों से ये कहने आया हूं कि आप लोग उसके मानने वाले हो जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और कभी कोई उनको दबा नहीं सका है। तो एक शेर के साथ मैं शुरुआत करता हूं अपनी बात की कि खानकाओं से निकल आओ ऐ मिसाले शमशीर, सिर्फ तकरीर से बख्शीश नहीं होने वाली है। हम लोगों को इस चुनाव में, ये चुनाव 2022 का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश की किस्मत को रखने का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ इस बात का चुनाव नहीं है कि 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर किस कौन बैठेगा। ये चुनाव इस बात का है कि ये सामने बैठे नौजवान साथी और ये छोटे छोटे बच्चों के आने वाला भविष्य किनके हाथों में होगा। उस व्यक्ति के हाथ में होगा जो दुनिया भर से पढ़ाई करके आया और तरक्की और खुशहाली के नाम पर, भाईचारा और दोस्ती और एकता के नाम पर, जाति और धर्म के साथ सबका साथ और सबके विकास के सच्चे नारे के साथ 2022 में बदलाव के लिए आप सबके बीच आया है। या वो रोगी लोग, वो झूठे लोग जो आपके बीच में आपके भाई से आपका झगड़ा करवाकर आपको
एक दूसरे से बात करके आपके बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ करते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि ये आएंगे आपके बीच में, जैसे माननीय राकेश भाई ने कहा कि आएंगे, उनको सम्मान करके भेजिएगा। तो मैं आपसे अब्बास बिन मुख्तार अंसारी कहता हूं कि ऐसा सम्मान करिएगा कि दोबारा लौट कर कभी इस गांव में बस सकेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई राकेश भाई यहां बैठे हैं और मैं पहली बार इस ग्राम सभा के आप लोगों की पावन धरती पर कदम रख रहा हूं, इसलिए मैं आप बेटी सारा सिंह के हत्यारे को टिकट दे दिया है लौटना। वो स्वतंत्र MLA शायद ये सोच के दे दिया कि वो जीत जाएगा और जीतने के बाद उनकी पार्टी में एक MLA और पड़ जाएगा। एक MLA से सरकार नहीं बनती। 403 सीट्स में MLA की संख्या बहुत अधिक, आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। तोड़फोड़ में सरकार बन सकती है, लेकिन इस समय जो भी शासन चल रहा है उस शासन में ये कहना मुश्किल है कि कांग्रेस का क्या हाल होगा, BSP का क्या हाल होगा, कोई नहीं बता सकता। इसका फैसला जनता करने वाली है 10 मार्च को। बहन जी से मेरी प्रार्थना है, अगर अम्बेडकर जी को, जिन्होंने संविधान की रचना की है, उनको अगर मानती हैं तो फौरन ही अमन मणि त्रिपाठी मेरी बेटी सारा सिंह के हत्यारे का टिकट कैंसिल करे। अगर वो नहीं कैंसिल करती हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को अपना फैसला सुना देगी। मैं कह सकते हैं कि आज जो है बसपा का